बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज हम लोग एक 9 क्लास का चैप्टर नंबर 5 HTML वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। वेब डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग वेबसाइट के अंदर पहले नंबर पे जो आपको चीज़ बताई जाती है वो है HTML। HTML है क्या चीज़? ये हमारे पास एक ऐसा टूल है या ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ होती है, मतलब पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं HTML चीज़ क्या है। HTML एक सिंपल लैंग्वेज है जिससे हम लोग अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, और इसके दो इम्पोर्टेंट मतलब HTML, H for hyper, T for text, M for markup, L for language। HTML means hyper text markup language। ये हमारे पास वो लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग मार्कअप भी लगाएंगे कि यहाँ पे ये फ्लाम मार्कअप से हम लोग इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लाम मार्कअप इसलिए यूज़ होगा, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग मार्कअप होंगे। तो हमारे पास इनके जो मार्कअप होते हैं उनको हम लोग टैग्स भी बोलते हैं। तो हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी, कुछ टैग्स होंगे, लाइंस होंगी जिनको हम लोगों ने यूज़ करना है। तो अगर हम लोग देखें अपने सिंपल वेब पेज को जो कि हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी होता है, जो आपके एप्पल फ़ोन होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग आईपैड या नोटपैड भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग नोटपैड देखेंगे। नोटपैड हमारे पास एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग सिंपली अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ये देखें मैं अभी आपके सामने लिखूँगा। ये ब्रैकेट स्टार्ट की मैंने, और यहाँ पर मैंने डोको टाइप, डॉक टाइप, HTML ब्रैकेट क्लोज। मैं लास्ट पे आता हूँ, नीचे आके तो HTML, ये देखें मैं आपके सामने ये लिखता जाऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, बॉडी के बाद मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ H1, और मैंने फिर इसको किया क्लोज। H1 में मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, और इसको मैं कर देता हूँ इस टैग को बंद, H1 को। जब ये मैंने बंद करने के लिए यहाँ पे मैं एक बैक स्लैश भी यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास हो गया HTML ख़त्म, हेडिंग टैग बंद हो गया। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लगाऊंगा। पैराग्राफ टैग के लिए मुझे यहाँ पे P प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये लें जी, ये मैंने इसको किया, पैराग्राफ को भी क्लोज। यहाँ पे मैं आता हूँ बॉडी, इसको भी क्लोज किया। यहाँ पे मैं आता हूँ अब HTML, इसको भी मैंने क्लोज किया। तो ये आप लोग मुझे खुद ही बताएं, यहाँ पे ये हमने सारा कुछ किया, करने के बाद इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करके यहाँ पे अब मेन जो काम होगा हमारा वो यहाँ पे होगा कि ये देखें यहाँ पे ये डॉट टेक्स्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पेज 1,
web page dot html, ये काम आपने करना नहीं भूलना। यहाँ से r type, और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने utf, इसी पे बहुत है, और इसको मैं करता हूँ सेव। जब मैंने इसको सेव किया तो ये देखें मेरे सामने यहाँ पे एक वेब पेज आ गया जिसको मैं ओपन करता हूँ, और मेरे सामने यहाँ पे ये ओपन होगा। बिल्कुल आप लोगों के सामने ये मेरे पास एक वेब पेज मेरे ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होने जा रहा है, जिसको हम लोग इजीली यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो भी अभी टाइप किया था वो सारे का सारा आप लोग इजीली वहाँ पे राइट हुआ देख सकेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे राइट किया था उसको मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और ये जितना भी काम हमने अभी किया है, ये थोड़ा मतलब ये समझ लें कि ये मैं इसको मुश्किल काम कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये हमें सारा कुछ खुद लिखना पड़ रहा है, और हमारे पास एक ने बेशुमार टेक्स्ट एडिटर ऐसे हैं जिनसे हमें जस्ट हम लोग वहाँ पे जाके अपनी फाइल टाइप वहाँ पे पहले सेट करेंगे। फाइल टाइप सेट करने के फौरन बाद हमें वहाँ पे वो, अगर हमने HTML पे लिखना है तो वो HTML का सारे का सारा रेडीमेड बॉडी टैग हमें वो सारा कुछ। ये देखें अभी मैंने आपके सामने फर्स्ट हेडिंग में देखें माई फर्स्ट हेडिंग आ गई, माई फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। अब ये जो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ये हमने किया था नोट पैड के अंदर। नोट पैड में ये जितना भी हमने वो एक मेहनत तलब काम किया, बहुत मेहनत से हमने वो सारा कुछ लिखा। अब यहाँ पे ये देखें मैं आपके सामने एक चीज़, ये एक मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है, और ये आपके सामने मैं अभी यहाँ पे देखूँगा। ये देखें सिंटैक्स पे मैं आके मैंने यहाँ पे HTML सेलेक्ट किया। ये देखें दोबारा से मैं बता दूँ आपको, व्यू में आके सिंटैक्स टेक्स्ट HTML, यहाँ पे हमारे पास बेशुमार लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि बेशुमार लैंग्वेजेस वो शो करवा रहा है, मगर हमने सिर्फ अभी HTML में काम करना है। तो मैं यहाँ पे HTML पे ही आऊँगा। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ HTML, ये देखें मैंने अभी HT लिखा है तो वो मेरे सामने सारा शो करवा रहा है। और ये मज़े की बात देखें, मैंने सिर्फ HT लिखा था और वो अंडरस्टूड कर गया कि इसने HTML में काम करना है, और वो उसने मुझे सारे का सारा यहाँ पे ये देखें डॉकर टाइप जो हमने वहाँ पे सारा ये मेहनत से लिखा, HTML का टैग लगाया, यहाँ पर ये देखें हेड का टैग। हाँ हेड क्या चीज़ है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये मेरे पास ये यहाँ पे ये फाइल नेम जो भी आ रहा है जहाँ पे वो मेरे पास स्टोर थी चीज़, और यहाँ पे ये देखें मैं अभी हेड के अंदर यहाँ पे मैं टाइटल लिखूँगा, टाइटल वेब डिज़ाइनिंग 9 क्लास वेब डिज़ाइनिंग। मैंने 9 क्लास वेब डिज़ाइनिंग लिखा, और मैं आ गया यहाँ पे। अब इस हेड टैग को भी ख़त्म किया हमने। हेड टैग के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग पे मैं जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। मैंने ये देखें ज़रा H लिखा, साथ ही वो मेरे पास उसने सारे का सारा मुझे शो करवा दिया है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मैंने H1 लिखा, H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज हेडिंग में लिखा ऑफ 9th क्लास। ओके, यहाँ पे करने के बाद मैं आता हूँ, अब मैं पी लिखा तो मेरे पास वो देखें पी का पैराग्राफ आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
This is my first web page पैराग्राफ, मैं इसको करता हूँ ख़त्म। यहाँ पे आप जितना भी वो पैराग्राफ को लेंथी करना चाहेंगे वो आपके लिए उतना ही, मतलब वो आपका वेब पेज उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं इसी को अगर कॉपी पेस्ट करूँ, ये देखें मैं आपके सामने, ये मैंने किया कॉपी, सी कंट्रोल सी से मैं इस पे आता हूँ, फिर से कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, मैं कोई ये आपके सामने करता जा रहा हूँ कंट्रोल वी। तो ये वही सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ये सिर्फ किस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपका वो वेब पेज जहाँ पे आपने ये सारा कुछ शो करवाना है वो आपके सामने एक हैंडसम लुक दे। तो मैं यहाँ पे आके, और हाँ यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये लाइंस भी शो कर रहा है कि आपने अभी इस प्रोग्राम की कितनी लाइंस को यहाँ पे कर दिया। मैं इसको करता हूँ सेव कंट्रोल, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको आके तो करता हूँ कंट्रोल एस, सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस किया, वो मेरे पास आएगा, मुझसे लोकेशन पूछेगा। यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे हमने HTML खुद से सेट की थी उसकी एक्सटेंशन। यहाँ पे उन्होंने पहले से इस टेक्स्ट एडिटर ने हमारे पास उसको सेट कर दिया। मैं यहाँ पे 9 फर्स्ट पेज, पेज मैंने लिखा, मैंने इसको किया सेव। तो इसको मैं अभी करता हूँ मिनिमाइज। यहाँ पे अभी मेरे पास शो नहीं हुआ। अच्छा जी, ये मैंने इसको किया, मैं अगेन इसको कंट्रोल एस पे जाके देखता हूँ कि मैंने इसको सेव किया था। सेव नहीं हुआ अभी मेरे पास 9th, ये यहाँ पे ये मेरे पास शो हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में। मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप किया, डेस्कटॉप पे ये देखे मेरे पास अब ये शो हो गया। इसकी वो लोकेशन और थी कहीं, ये मेरे पास शो हुआ, ये देखें अभी आपके सामने। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, फर्स्ट HTML वेब पेज, यहाँ पे 9th क्लास वेब पेज और माय फर्स्ट वेब पेज ऑफ 9th क्लास। ये सेम डाटा जो हमने वो कॉपी पेस्ट किया था वो सारे का सारा यहाँ पे आ गया।